जो तीसरी दवा है डिलीरियम की, स्ट्रोमोनियम। उसको डिस्कस करते हैं। तीनों दवाएं आज मैं एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जब इस वीडियो को जो भी लोग सुनते हैं, स्टूडेंट्स कुछ भी कोई भी, तो उसको कंपैरिजन को अच्छे से समझ सकेंगे। उसको एक बार फिर से बुक में पढ़िए, बुक से ज़्यादा समझ में भी आता है, पढ़ने से ज़्यादा मेमोरी में वो चीज़ें जाती हैं। तो स्ट्रामोनियम में क्या है ना कि ये वाइल्डली डिलीरियम इसमें भी होता है, एकदम वाइल्ड की तरह चेहरा एकदम लाल रहेगा और ग्रेट लैक्वासिटी रहेगी। लैक्वासिटी क्या ये बाकी बेलाडोना और हायोसाइमस से इसको डिफ्रेंशिएट करती है। जो पीपल्स होते हैं वो खुले रहते हैं, डायलेटेड रहते हैं, रोशनी बल्ब वगैरह ऑन करके उसे अच्छा लगता है, लाइट जलती रहे और कंपनी अच्छी लगे। अकेले रहने से स्ट्रामोनियम को डर डर लगता है, चाहता है कि कोई उसका बगल में रहे और हाथ पकड़े रहे। एक साइड पैरालाइज्ड होता है और दूसरी साइड में कन्वर्जन होता रहता है। ऐसे केसेस या ऐसे सिम्टम्स जब मिलते हैं तो होम्योपैथी ही है जो इसमें इफेक्टिव है, इफेक्ट ला सकती है। एक और दवा है ब्राइट, इसमें बेलाडोना। जब वो उठता है तो चेहरा उसका एकदम श्रिंक रहता है, डरा हुआ, और कोई भी चीज़ जो सबसे पहले वो कोई भी ऑब्जेक्ट देखेगा तो डर जाएगा। किसी कोई अगर उसके सामने है तो डर जाएगा, कोई सामान है तो डर जाएगा। और स्ट्रामोनियम में पेनलेसनेस रहता है ओपियम की तरह। जर्क द हेड सडनली, सर को अचानक से ऐसे पीलो से ऊपर उठा देगा, जर्क करता है। ये इसका बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है जो बाकी दवाओं से इसको अलग भी करता है, हायोसाइमस से और बेलाडोना से। तो ये एक लास्ट रेमडी है ट्रायो ऑफ हाई ग्रेड डिलीरियम की, और इसमें और बाकी दवाओं में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। सिंगिंग, लॉफिंग, ग्राइमिंग, विस्लिंग, स्क्रीमिंग, प्रेइंग पीटियसली, स्वेरिंग, और इन सब के ऊपर लैक्वेसिटी, बहुत ज़्यादा लैक्वेसियस होता है स्ट्रामोनियम। और पेशेंट क्या है ना कि अपने शरीर को कई पोजीशन में तोड़ता मरोड़ता है, गोल बॉल की तरह बन जाएगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जो भी पॉसिबल पोजीशन हो सकती है वो स्ट्रामोनियम पेशेंट अपने शरीर को मोड़ता है, तोड़ता है, बैठता है, उठता है, खड़ा होता है डिलीरियम में। और सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, जब आप बेड पे जाएंगे तो उसके तो देखेंगे कि वो सर को ऐसे ऐसे जर्क करता है, जर्क करता है सर को, और उसको सारी चीज़ें क्रूक्ड दिखाई देती हैं। जो अंदर का हिस्सा रहता है वो रॉ होता है, रेड होता है। जो जीभ होती है कुछ समय के बाद स्टिफ हो जाती है या फिर पैरालाइज हो जाती है। लैटरिन पतली होने लगती है, काले रंग की, और स्मेलिंग लाइक कैरियन। कैरियन मतलब होता है कि मीट जब सड़ जाता है तो उसमें जो बदबू आती है सड़न की, उस तरह की बदबूदार मोशन होता है उसको, या फिर लैट्रिन या पेशाब एकदम होगा ही नहीं, सप्रेस्ड हो जाएगा। और इसके बाद रोशनी कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस की वजह से सुनाई देना कम पड़ जाता है और आवाज़ धीमी पड़ जाती है। आँख प्यूपिल्स डायलेटेड होते हैं और इमूवेबल होते हैं, एक जगह प्यूपिल्स हिलते डुलते ही नहीं हैं। और पसीना खूब ज़्यादा होगा बिना किसी आराम के, और थोड़ी देर बाद ही बस मौत से उसकी मुलाकात होने वाली रहती है। अगर स्ट्रामोनियम सही समय पे दे दिया जाए तो मरीज़ की जान बच जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो स्ट्रामोनियम को बाकी दवाओं से अलग करता है वो है इसकी लैक्वेसिटी। इसमें जो डिलीरियम होता है वो लैक्वेसिटी का होता है। अभी हायोसाइमस में क्या है कि वो स्टूपिड रहता है। बेलाडोना क्या है कि वो हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम के बीच में रहता है। स्ट्रामोनियम क्या है कि खुद को फेंक देता है, शरीर को हर पॉसिबल पोजीशन में मोड़ता है, ऐंठता है, मरोड़ता है, और सर को जर्क करता है पीलो से, ऐसे ऐसे करता है। हायोसाइमस में ट्विचिंग होती है पूरे शरीर में, और बिस्तर को वो पिक करता है, और इनडिस्ट्रिक्टेबल मटरिंग डिलीरियम होता है, मतलब बड़बड़ाता रहेगा, कुछ सुनाई नहीं देता है। भीड़ में जाने कोशिश करता है, पकड़ने कोशिश करता है, ऐसा वो सोचता है, या फिर वो एकदम अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सोया रहता है हायोसाइमस वीकनेस की वजह से। बेलाडोना क्या है कि स्टार्ट्स जंप्स व्हेन फॉलिंग इनटू स्लीप,
और अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप। तो ये तीन दवाएं हैं डिलीरियम की जिसमें ये सिम्टम है। और मैनिया की बात करें तो हाइसामस की तरह स्ट्रामोनियम भी क्रॉनिक मैनिया में भी उतना ही इफेक्टिव है जितना एक्यूट कंडीशन में। डॉक्टर नैश एक केस डिस्कस करते हैं जो एक चर्च में काम करने वाली महिला रहती हैं जो अच्छी पोजीशन पर रहती है, और वो उनको लगता है कि वो खो गई हैं। उनका जो कंप्लेंट रहता है कि उनका सर बहुत बड़ा हो गया, पैर दिखा के कहती हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरा पैर चर्च से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और ढेर सारी दवाएं चलाने के बाद ग्लोनाइन लैक्सिस नाइट्रम कार्ब और भी दवाएं चलाने के बाद लास्ट में इन्होंने इनको स्ट्रामोनियम दिया और वो महिला पूरी तरह से ठीक हो गई। इसी तरह का एक और केस था वो डिस्कस करते हैं जिसमें उन्होंने स्ट्रामोनियम सीएम दिया और वो भी ठीक हो गई। इस तरह का डिल्यूशन रहता है स्ट्रामोनियम में। कुछ और सिम्टम है कैरेक्टरिस्टिक, अंधेरे में या आँख बंद करके वो चल नहीं पाता, स्टेगर करने लगता है, चीज़ों से लड़ने लगता है, उसका पैर टकरा जाता है, आँखें बहुत ज़्यादा खुली रहती हैं, प्रोमिनेंट रहती हैं, पीपल्स चमकदार होते हैं और डायलेटेड रहते हैं, लाइट और कंपनी की उसको डिज़ायर रहती है, चेहरा गर्म रहता है, रेड रहता है, और गाल पे जो है लाल सर्कमटेंसेस लालीपन रहता है, मुंह और गला सूखा हुआ रहता है, इसमें ब्रायनिया बेलाडोना भी है, पानी से उसको डर लगता है और किसी भी फ्लूइड से, हर फ्लूइड से, एवर्सन टू वाटर एंड ऑल द फ्लूइड्स, मेट्रोरेजिया रहती है, और जो कि कैरेक्टरिस्टिक माइंड सिम्टम अगर प्रेजेंट है तो स्ट्रामोनियम दे सकते हैं। हिप डिजीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो या हिप एब्सेस में बहुत ज़्यादा दर्द हो, एक साइड पैरालाइज रहे दूसरी साइड कन्वर्जन होता रहे, बेलाडोना है इसमें अगली दवा, और इंटायर एब्सेंस ऑफ पेन जैसा कि ओपीएम में होता। तो ये थी स्ट्रामोनियम। थैंक यू।